वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कमेंट्स मैसेजेस भेजते रहो। पहले बहुत अच्छा फील होता है। किसी ने भी जस्ट मैंने एक पोस्ट डाला था उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मैंने किसी का मैसेज देखा कि एसआरकेएन हो तो ऐसा हो वरना ना हो। उसके हार्डवर्क को, उसके सक्सेस को अपना मतलब मकसद बनाकर ऐसा ही कुछ मैसेज किया, मतलब कमेंट किया था। और एक आज सुबह किसी ने मैसेज किया कि मतलब भाई साहब आप हमारे इंस्पिरेशन हो, आप तो मतलब यार हार्डवर्किंग करने की मिसाल, मतलब बनने का मिसाल हो आप। तो ऐसे मैसेजेस, ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तब मज़ा आता है कि मैं भाई करूँ, वीडियोस भी करूँ, क्योंकि ना भाई दो नाव पे मैंने पैर रखा है। अब गिरूँगा नहीं गिरूँगा वो डिसाइड करने वाला वो है और आगे का फ्यूचर। खैर ये सब बात को साइड करो, बहुत दिन से भाई हल्ला मचा पड़ा है, हकाल मचा पड़ा है, बवाल बवंडर मचा पड़ा है सब जगह से। इतना बवाल मचा पड़ा है कि एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर नहीं है वो। ट्विटर में मैंने बताया था ना कल कि वो आईटी सेल वाले, वो 2 रुपीज़ बेरोज़गार लुखे, वो ट्विटर वाले वैसे यूट्यूब में भी है बहुत लोग। तो वो उनमें से एक है, 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर है उसके। उसको हर फिल्म में ना फिल्म नहीं दिखता, उसको हर फिल्म में क्या दिखता है पता, उसको प्रोपेगेंडा दिखता है। मतलब अभी आप टाइटैनिक फिल्म है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिल्म, उससे अच्छी फिल्म तो बनी नहीं है आज तक। तो आप वो उसको लेकर जाके दिखाओगे तो उसमें वो क्या बोलेगा पता, रोज का धर्म क्या है, जैक का धर्म क्या है, ये कुछ कांड वांड तो इंटर रिलीजन मैरिज तो नहीं होगा। देखो जैक ने रोज का मतलब यूज़ किया और उसको फेंक दिया, ये मूवी बॉयकॉट होने, दिस इज़ नॉनसेंस। जबकि मूवी में 50,000 टन का एक जहाज भी है, वो उससे उसको मतलब नहीं रहेगा। हाँ यार उसका साइड करो यार, कचरा मेरा मूड ख़राब नहीं कर रहा है, मुंबई इंडियंस का मैच भी है तुम। हाँ तो ये लोग ना भाई वहाँ से ना मैटर लीक हुआ नहीं, ये लोग अपना ही कुछ मैटर बना रहे हैं। मनी हिस्ट क्या है यार वो, मैं तो देखा ही नहीं, सीरियसली नहीं देखा। मैं डार्क 200 बार देख लूँगा लेकिन नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच दैट वेब सीरीज, नॉट बिकॉज मुझे एक्स्ट्रा कूल बनना है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट जिसमें नहीं आता तो मैं नहीं देखता। हाँ मनी हाइस्ट का कॉपीड है एसआरके अटली की फिल्म, साला फिल्म का नाम और टाइटल डिसाइड नहीं हुआ, फिल्म में कौन कौन लोग है वो पूरा तरह डिसाइड नहीं हुआ, फिल्म किस प्रोडक्शन हाउस के अंदर पूरी टोटल बनकर प्रोड्यूस होगी वो डिसाइड नहीं हुआ। मनी हाइस्ट का कॉपी है, अच्छा प्रोफेसर से इंस्पायर्ड, सीरियसली साउथ इंडिया का रीमेक नहीं करता वो बंदा, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज का रीमेक करेगा। मतलब इंस्पायर्ड ये सब फालतू अंडसंड करेगा वो। हाँ स्टोरी किसी ने सुना होगा और वो भाई साहब गोबर खाकर सुबह निकला होगा घर से और वो स्टोरी सुनते संग उसने बाहर आकर सब जगह बोला ये भाई मनी हाइस्ट हो। तो किसी ने एक्सप्लेन किया भाई मनी हाइस्ट टाइप की है ना, उस टाइप की है, मनी हाइस्ट टाइप बोला होगा इस चोसड़ी वाले चाचा ने, बाहर आकर पूरा हुदूम मचा दिया होगा, हाँ भाई मनी हाइस्ट का कॉपीड है। पागल है क्या, 5 साल रुक के कॉपी करके वो फिल्म लेके आएगा, सेंस यूज़ करो। मेरे व्यूवर्स के लिए भी वीडियो है, थोड़ा सेंस यूज़ करो, थोड़ा सा ये मगज का इस्तेमाल करो, थोड़ा मैथ्स वैथ्स सम्स सवाल ववाल करो किताब में अगर खाली बैठे हो तो, तब ये थोड़ा ज़्यादा चलता है। या तो पबजी मत खेलो, पबजी से ये चलता है बोलने वाले को तो मैं मारूँगा। खेलो बट इसको शार्प करने के लिए कुछ और करो। ये सब फालतूपन का न्यूज़ देख कर एक्साइटेड मत हो जाओ और बेफालतू का खुद का बॉयकॉट मत करो, खुद की बेइज्जती मत करवाओ और ना अपने स्टार की बेइज्जती करवाओ। एक तो मनी हाइस्ट जैसी ये मैटर शुरू हुआ, अरे भाई बेरोजगार गैंग आ गए, हाय धुम हाय धुम, और वो एक प्रोपेगेंडा बैठा है 5-6 लाख सब्सक्राइबर लेके, रिव्यूअर बोलते हैं अपने आप को, रिव्यूअर प्रोपेगेंडा व्यूअर है तुम, रिव्यूअर नहीं है चचा, ओ चौसड़ी वाले चचा रिव्यूअर तो तुम है नहीं।
तुमसे अच्छा रिव्यूअर रिव्यू मैं दे देता हूँ रे, मैं दे देता हूँ तुमसे तो ठीक ठाक रिव्यू दे देता हूँ मैं। तेरे को शेरशाह में भी प्रोपेगेंडा ढूंढना पड़ता है, ढूंढता रहता है तू। प्रोपेगेंडा अगर मिल गया तो मतलब फिल्म सबसे घटिया निकलेगी, और प्रोपेगेंडा अगर नहीं मिला तो चाचा तुम बोलोगे फिल्म ठीक ठाक है। और तुमको हॉलीवुड की फिल्म बहुत ज़बरदस्त लगती है, कूल हो ना तुम। तो ये सब का बात छोड़ो, ये मनी हाइस्ट ये वो फालतू अंडसंड, जो नेक्स्ट फिल्म है उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट की नेक्स्ट पर उछलते रहोगे तो डूबोगे। 27 सितंबर को होने वाली है नहीं होने वाली है, दैट डजेंट मैटर, होगी तो अच्छी बात है, पठान की बात कर रहा हूँ मैं। सो नेक्स्ट फिल्म पर ध्यान दो, ये मनी हाइस्ट की कॉपीड रीमेड इंस्पायर्ड ये अदरक लहसुन प्याज ये सब नहीं होने वाला है, ये सब नहीं होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट नहीं होने वाला। अटली के ऊपर मेरे को भरोसा है, कर सकता है, बट मेरे को SRK के ऊपर भी भरोसा है कि वो कॉपीड आइटम एलिमेंट अपने फिल्म के अंदर नहीं डालेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।